हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन की आज हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स सबसे पहले देखेंगे, हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। तो दोस्तों, मैकेनिक्स क्या होता है, जब किसी पिन पर बल लगाते हैं तो किस प्रकार व्यवहार करेगा उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, यही मैकेनिक्स का कार्य होता है। आइए देखते हैं, अब सेकंड हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा मैकेनिक्स जो होता है उसको हम निम्नलिखित भागों में बांटे हैं, तो देखते हैं, आइए देखते हैं। यांत्रिकी मैकेनिक्स, यानी उसके बाद अनुप्रयुक्त मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, उसके बाद उसको हम अप्लाइड मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक ठोस यानी सॉलिड मैकेनिक्स, नंबर सेकंड है हमारा द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद ठोस यांत्रिकी यानी सॉलिड मैकेनिक्स को हम फिर दो भागों में बांटे हैं, दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी, और उसके बाद हमारा सेकंड है द्विपित पिंडों की यांत्रिकी। उसके बाद दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी को हम दो भागों में बांटे हैं, एक स्थैतिक यांत्रिकी, नंबर दो गति की यांत्रिकी। उसके बाद हमारा जो सेकंड है गति की यांत्रिकी को हम फिर दो भागों में बांटे हैं, पहला है वो हमारा बल गति की यांत्रिकी, दूसरा है सेकंड शुद्ध गति की यांत्रिकी। तो ठोस गति की यांत्रिकी क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसके अंतर्गत पिंड पर लगने वाला बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यानी जब किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होता है, वो कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं ठोस यानी सॉलिड मैकेनिक्स में। और सेकंड हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत विरामावस्था तथा गतिकी अवस्था में द्रवों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा होता क्या होता है, कोई भी बॉडी जो या पिंड जब हमारा विरामा यानी रुका हुआ है जब, या गति कर रहा है, तो उस पर हम बल लगाते हैं और उनके व्यवहारों का पता करते हैं कि वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा। उसके बाद हमारा सेकंड है दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी, यानी दृढ़ दृढ़ से आपको पता ही होगा कि इसके अंतर्गत दृढ़ पिंडों के ऊपर लगने वाला बल तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब दृढ़ पिंड कोई ठोस, मतलब कोई दृढ़ पिंड है उस पर जब हम बल लगाते हैं तो किस प्रकार व्यवहार करेगा, इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। विरूपित पिंड की यांत्रिकी, इसके अंतर्गत विरूपित पिंडों पर लगने वाले बलों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विरूपित पिंडों में क्या होता है, किसी भी बॉडी पर जब बल लगता है तो बल के साथ साथ वह किस प्रकार का उसमें परिवर्तन होगा उसका भी अध्ययन किया जाता है। स्थैतिक हमारा सेकंड जो है स्थैतिक यांत्रिकी, इसके अंतर्गत दृढ़ पिंडों की स्थिर अवस्था, स्थैतिक में क्या होता है, हमारा दृढ़ पिंड कोई है उसकी स्थिर अवस्था में लगने वाला बलों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और गतिकी सेकंड हमारा गतिकी यांत्रिकी, इसके अंतर्गत गति की अवस्था में लगने वाली बलों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, बल गति की। इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बल गति की, इसके अंतर्गत पिंड के गति के साथ साथ, यानी पिंड गति में है उसके साथ साथ उस पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है, बल गति की यांत्रिकी कहलाता है। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा जो टॉपिक है यह शुद्ध गति की, शुद्ध गति की हम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है तथा उस पर लगने वाले बलों पर विचार नहीं किया जाता है। तो शुद्ध गतिकी में क्या होता है, जब कोई हमारी बॉडी होती है गति करती है तो
उसका अध्ययन किया जाता, उन पे कितना बल लगाया है उसका अध्ययन नहीं किया जाता, उस पर विचार नहीं किया जाता है। यूटिलाइट ऑफ मैकेनिक्स, तो दोस्तों मैकेनिक्स का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मैकेनिक्स का उपयोगिता, मैकेनिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आइए हम देखते हैं। तो मैकेनिक्स का उपयोग जो होता है, पहला है यांत्रिकी के सिद्धांत का उपयोग इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो हमारे मैकेनिक्स है इसकी इसके सिद्धांत का उपयोग हम इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करने में करते हैं, इंजीनियरिंग में होने वाली जो समस्या होती है उसको हल करने में मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। ढांचों का सामर्थ्य, यानी जबकि वो कोई भी बॉडी का हम ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी सामर्थ्य क्या होती है उसका भी हम चेक करते हैं। नंबर सेकंड हमारा मशीन अभिकल्पन आदि में किया जाता है, यानी जब भी हम कोई मशीन का डिज़ाइन करते हैं तो उसके अभिकल्पन में भी मैकेनिक्स का उपयोग। सेकंड यांत्रिकी इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाएँ, जो मैकेनिक्स की शाखाएँ वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये सभी जो हैं ये इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं। दैनिक जीवन के अनेक क्रियाओं को समझने के लिए मैकेनिक का ज्ञान आवश्यक है। तो रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें हैं उसको समझने के लिए हमें मैकेनिक का ज्ञान होना ज़रूरी है, जैसे चलना, फिसलना, तैरना, लुढ़कना आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और सेकंड हमारी जो टॉपिक होने वाली है राशियाँ, यानी क्वांटिटी। क्वांटिटियाँ क्या होती है? क्वांटिटी दो प्रकार की हो, एक सदिश होती है, सदिश राशियाँ होती है, दूसरी अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ये भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे समय, ताप, द्रव्यमान, दूरी, चाल, शक्ति, आयतन, विद्युत प्रतिरोध, ऊष्मा आदि इसके उदाहरण हैं। नोट में जो हमारा है, अंकगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या जोड़ा घटाया जा सकता है अदिश राशि को। सेकंड जो टॉपिक हमारी होने वाली है वो होने वाली है, ये देखिए, ये सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे त्वरण, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि। नोट में क्या है, इसको अंकगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है, इसमें सदिश राशि का विरूपण। तो इसमें क्या होता है, दिशा, परिमाण, अनुप्रयोग बिंदु, इन तीनों चीज़ों को होना आवश्यक होता है। जब हम किसी भी सदिश राशि का निरूपण करते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, दिशा, परिमाण, अनुप्रयोग बिंदु। किसी इसका जो हमारा डिफिनीशन है, किसी सदिश राशि को सदिश राशि के निरूपण करने के लिए दिशा, परिमाण, अनुप्रयोग बिंदु की आवश्यकता होती है। नंबर एक, सदिश की ए बी से निरूपित करते हैं, सदिश को ए बी से निरूपित करते हैं, ए बी की लंबाई इसका परिमाण निरूपित करती है, ए बी है जो हमारा, ए बी इसकी परिमाण को निरूपित करती है, बल का उपयोग बिंदु ए है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ग्राफ वाई और एक्स एक्स पे बनाया हुआ है। एडिशनल ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योग क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ वेक्टर्स बनाए हुए हैं, यहाँ हम दो सदिशों को जोड़ने के लिए एक ग्राफ बनाए हैं। यहाँ देखिए वो ए सी बी, वहाँ पे जो हमारा
बल लग रहा है वो वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है। उसके बाद हमारा यहाँ जो सेकंड वाला है ओ बी सी, इसको हम डिवाइड करके दो वेक्टर को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए ओ बी ए डैस, ओ बी ए डैस को जोड़े हैं तो इसका जो परिणामी आर है और उन पर लगने वाले जो बल है वेक्टर क्यू वेक्टर पी है। उसके बाद सेकंड हमारा जो है ओ बी डैस ए, उस ओ बी ए उस पर जो हमारा है वेक्टर पी वेक्टर क्यू, ये हमारे बल लग रहे हैं और इनका परिणामी जो है आर है। तो आइए देखते हैं इसका जो डिफिनेशन क्या होता है। दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ा जा सकता है, यानी कोई भी दो सदिश जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़े जा सकते हैं तथा त्रिभुज के नियम से जोड़ा जा सकता है। इसको त्रिभुज के नियम से भी जोड़ा जा सकता है और समांतर चतुर्भुज के नियम से भी जोड़ा जा सकता है तथा त्रिभुज के नियम जोड़ा जा सकता है। माना दो सदिश वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू हैं तथा उनका योग वेक्टर आर है, तो वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर होगा वेक्टर आर के। सदिशों का घटाना इस तरह से फिगर आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कैसे घटाया जाए। दो सदिश वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू का अंतर का परिणामी वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर बराबर है वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर पी प्लस माइनस वेक्टर क्यू। उसके बाद वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू बराबर है माइनस क्यू माइनस बी वेक्टर, समान परिणाम विपरीत दिशा में है। तो इनका जीव देखिए डायरेक्शन में विपरीत है क्योंकि यहाँ माइनस आ चुका है। सदिश एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट वेक्टर क्या है। आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। किसी सदिश को वेक्टर ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता, जो भी हम सदिश को प्रदर्शित करते हैं उसके ऊपर वेक्टर ए लगा के प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये बनाए हैं तो उसके ऊपर वेक्टर लगा दिए हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी सदिश का परिणाम एकांक हो यानी रिजल्टेंट जो होता है वो एकांक हो तो ऐसे सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश को वेक्टर ए कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर ए बराबर इस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए कैप, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड में ए एकांक सदिश है, जहां ए सदिश वेक्टर ए का परिणाम किसी सदिश के परिणाम को वेक्टर मॉड ए बराबर वेक्टर ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दिया जाए तो उस सदिश का एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों जब हम किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दें तो उसका जो एकांक जो सदिश प्राप्त होगा वो एकांक सदिश प्राप्त होगा। एकांक सदिश का प्रयोग दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे वेक्टर ए बराबर होता है ए इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी टू इंटू के कैप, ये होता है सदिश का परिमाण होगा जो वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर होगा। ए कैप बराबर हो जाएगा ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी टू के कैप अपान अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एकांक सदिश है। दो सदिशों का गुणनफल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दो सदिशों का गुणनफल क्या होगा ये देखते हैं। जब भी हम कोई बिंदु पे ओ से एक बिंदु खींचेंगे वेक्टर ए और ओ से एक किसी कोण पे जो हमारा नेक्स्ट खींचेंगे कोई बिंदु वो हो जाए वेक्टर बी, उनके बीच का कोण जो है थीटा, तो इनका क्या करेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा
एक अदिश राशि है। इनका डिफिनेशन, किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश हो तो उस सदिशों का गुणनफल उसे अदिशों का गुणनफल कहते हैं। किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल, यानी जब कोई भी दो वेक्टर जो किसी दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि हो तो उनका जो रिजल्टेंट परिणाम होगा वो अदिश राशि प्राप्त होगा। इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। माना दो वेक्टर ए वेक्टर बी किसी बिंदु ओ पर एक दूसरे के अनुसार थीटा डिग्री पर कार्यरत हैं तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा जो हमारा है वो अदिश राशि है, ए इंटू वेक्टर बी हमारा जो है वो सदिश राशि है। जहाँ वेक्टर ए सदिश वेक्टर बी का परिमाण है। दो सदिश का अदिश गुणनफल दोनों राशियों के परिमाण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। नंबर एक, अदिश एग्जाम्पल जो हमारा है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। नंबर एक, अदिश गुणनफल का क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय मतलब जैसे हम यहाँ लिखें ए इंटू बी, यहाँ हम लिखें ए इंटू बी तो हमको क्या करना है, बी इंटू ए लिख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्रम विनिमेय। और इसको वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर हो जाएगा बी इंटू वेक्टर ए बराबर ए बी कास थीटा। अदिशों का गुणनफल विपरीत, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कोष्टक में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ए बी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ए बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी हो जाएगा। दो लंब सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। जब भी दो परपेंडिकुलर सदिश का हम गुणनफल करेंगे तो उसका जो मान होगा शून्य हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है। चौथा, जो हमारा दो समांतर सदिश का अदिश गुणनफल उनकी परिमाण के बराबर होता है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कॉस 0 बराबर ए बी। पांचवा, जो हमारा स्वतंत्र स्वयं से अदिश का गुणनफल सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। जो स्वयं से अदिश का गुणनफल सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए बराबर ए ए का 0 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। समान लंबकोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणनफल इकाई होता है। आई कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप इंटू के कैप बराबर 1 गुणे 1 गुणे का 0 बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन जो मैकेनिक्स का है पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं यूनिट्स क्या है। इकाइयों का वर्गीकरण, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। जो हमारी इकाइयां हैं या यूनिट्स हैं दो प्रकार की होती है। एक फंडामेंटल होती यूनिट्स होती हैं यानी मौलिक इकाइयां, दूसरा होता है बेसिक मौलिक इकाइयां होती हैं। सॉरी, फंडामेंटल में हमारा आता है मौलिक इकाइयां, अनुपूरक इकाइयां, और सेकंड जो हमारा होता है व्युत्पन्न इकाइयां, उसमें जो हमारा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला है हमारा ब्रिटिश प्रणाली फुट या पाउंड, सेकंड पीएफपीएस सिस्टम प्रणाली, दूसरा हमारा होता है मीटर प्रणाली। मीटर प्रणाली में हमारा ये होता है मीटर, सिस्टम होता है बी होता है मीटर, किलोग्राम सेकंड एम के एस, इसको
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजियस सिस्टम, ये हमारे होते हैं मीटर प्रणाली। नंबर 3 इकाइयों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो होता है अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट मात्रक। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक ही प्रकार के भौतिक राशि के परिमाण की तुलना की जा सके। कोई इकाई राशि का स्थिर भाग होता है। किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है तो उसमें मीटर इकाई है। जैसे जब हम कोई भी सामान लेने मार्केट जाते हैं तो कहते हैं हमें चाहिए 5 किलो चीनी दे दीजिए, जो किलो हमारा है वो यूनिट्स है, बिना इसके हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में हम देखेंगे, इसके अंतर्गत लंबाई द्रव्यमान तथा समय की इकाइयों का मान क्रम से 1 फुट 1 पाउंड तथा 1 सेकंड है। मीटर किलोग्राम सेकंड MKS, इसमें लंबाई द्रव्यमान तथा समय के इकाइयों का मान क्रम से 1 मीटर 1 किलोग्राम तथा 1 सेकंड है। इसे MKS सिस्टम भी कहते हैं, CGS सिस्टम। इसके अंतर्गत लंबाई द्रव्यमान समय के इकाइयों के मान क्रम से 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम तथा 1 सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे CGS भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो MKS पद्धति है वो क्या होती है, हम इसकी डिफिनेशन देखने जा रहे हैं। यह सिस्टम वास्तव में MKS परम इकाई पर ही आधारित है। किसी भी प्रकार के सामंज की संभावना को समाप्त करने के लिए एसआई इकाइयों तथा इसकी वेतन इकाइयों के संकेतों या प्रतीकों को मानवीकृत कर दिया जाता है। बेसिक ऑफ एसआई सिस्टम, जो हमारी बेसिक ऑफ एसआई सिस्टम है ये इस तरह से है। जैसे हमारी यहाँ देखिए, इसको 3 भागों में बांट दिया। पहली है भौतिक राशियाँ इकाइयाँ संकेत, जो हमारा लंबाई होता है इसकी इकाई मीटर होती है और इसका संकेत यम होता है। द्रव्यमान इसका जो इकाई होती है किलोग्राम होती है, इसका संकेत केजी से करते हैं। समय सेकंड होता है इसकी इकाई और इसे यश से संकेत करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा इसका जो इकाई है एम्पियर है, उसे ये से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड जो हमारा तापमान का जो इकाई है केल्विन है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता की इकाई जो है कैंडिला होती है, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी इसकी इकाई जो होती है मोल होती है, इसको MOL से प्रदर्शित करते हैं। एसआई की अनुपूरक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ इकाई संकेत। समतल कोण होता है जो इसकी इकाई होती है रेडियन होती है, इसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा घन कोण होता है उसे स्टेरेडियन यानी SR से संकेत से प्रदर्शित करते हैं। टेंशन क्या होता है यानी तनाव क्या होता है, जब किसी पिंड पर 2 बल बराबर तथा विपरीत दिशा में लग रहे हों तब यह पिंड को खींचने का प्रयास करते हैं, तब इन बलों की प्रकृति तनाव कहलाती है। इस प्रकार के बलों को तनाव बल कहते हैं। जब भी हम कोई 2 पिंड लेते हैं, उसको एक तरफ से कोई दूसरा खींचता है अपनी तरफ और दूसरा कोई व्यक्ति अपनी तरफ खींचता है, और दोनों की दिशा जो विपरीत हो यानी अलग अलग हो, तो उस कारण जो भी बॉडी में तनाव उत्पन्न होगा उसे तनाव बल कहते हैं। संपीड़न, यही जब किसी पिंड पर 2 बल बराबर तथा विपरीत दिशा में जब किसी पिंड पर बराबर तथा समान दिशा में लग रहे हों तब यह पिंड को दबाते हैं। इन बलों की प्रकृति जो संपीड़न कहलाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। दृढ़ पिंड, किसी पिंड पर बाह्य बल लगने से यदि
उसके कणों में कोई सापेक्ष गति ना हो यानी कोई परिवर्तन ना हो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। यदि पिंड पर बाह्य बल लगाने पर विरूपण आकार नहीं होता तब उसे दृढ़ पिंड कहते हैं, यानी जब उसके शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो मैकेनिक्स का पहली यूनिट थी हमारे हम क्लियर कर चुके हैं एक ही लेक्चर में। ये 24 मिनट की 25 मिनट की 26 मिनट की वीडियो है, इसमें आप देखेंगे और हम नोट्स बना भी सकते हैं। आप जो भी मिस्टेक है लिखने में वो मेरे दोस्त से मैंने नोट्स मांगा है, यदि कोई भी मिस्टेक होगी लिखने में तो आप अपने आवश्यकता अनुसार थोड़ा देख समझ कर लिखिएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।